हेलो एंड वेलकम टू एचएम हॉबिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं दिल्ली के उत्तम नगर में लोकेटेड ए टू जी पेट स्टोर में। आज यहां पर हम फिशेस के स्टॉक को देखने वाले हैं। साथ ही बताता चलूं, यहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फिशेस का स्टॉक आया हुआ है। साथ ही यहां पर एक मॉन्स्टर कॉक एसआरडी फ्लावरहॉर्न भी आया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे नजर आया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग फिशेस आप देखेंगे, जिनकी क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ ही अगर आप उनके कलर्स भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गोरामीज का स्टॉक है। किसिंग गोरामीज के साथ साथ येलो एंड ग्रीन गोरामीज यहाँ पर अवेलेबल है। ये नॉर्मल गोरामीज में काउंट होती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मिक्स वैरायटी की एंजल फिशेज हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो मीडियम साइज इन एंजल फिशेज का मिल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइस तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अर्जेंट काम से शॉप ओनर को जाना पड़ा। फिर भी मैं आपके लिए शूट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि इनके पास अभी कौन कौन सा स्टॉक आया है। अगर आपको कोई फिश पसंद आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे हेड के साथ एसआरडी मॉन्स्टर कॉक फ्लावरहॉर्न है, जो कि शॉर्ट बॉडी में है। सबसे अच्छी चीज, इसका बॉडी साइज छोटा होने के बावजूद यहाँ पर आपको हेड साइज दिख रहा होगा, काफी अच्छा है। और क्योंकि अभी मैंने शॉप के स्टाफ से पता किया था, ये जो फ्लावरहॉर्न है इनके पास आज ही आया है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा डल है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा शाय भी फील कर रहा है अभी इस टैंक में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका जो हेड साइज है बहुत ही अच्छा है, बॉडी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, और कलर्स अभी थोड़े से डल हैं, बट इन्होंने मुझे बताया है कि 1 से 2 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल कलर को गेन कर लेगा, और तब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। अभी भी आप देख सकते हैं, मैं कैमरे से थोड़ा सा पास आके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फ्लावरहॉर्न है, कलर काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर पैटर्न आए हुए हैं वो भी काफ़ी अमेजिंग आए हुए हैं। आई होप आपको ये फ्लावरहॉर्न काफ़ी पसंद आया हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ किसिंग गोरामीज एंड साथ में टिन फॉइल बाब्स देखने को मिलेगी। मीडियम एंड लार्ज साइज में यहाँ पर टिन फॉइल बाब्स हैं। कलर्स आप देख ही सकते हैं, जो इनके टेल के ऊपर पैटर्न है, जो रेड कलर का टिंट है, वो बहुत ही अमेजिंग आया हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्बिनो टिन फॉइल बाब भी मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं हर एक एक्वेरियम हॉबिस्ट का एक ख्वाब होता है अपने पास एक ना एक दिन इस तरह का सिल्वर अरवाना या फिर कोई भी अरवाना रखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर अरवाना है, बहुत ही अमेजिंग है, लगभग 9 इंच का इसका साइज है। कलर आप देख सकते हैं फिन्स पे काफ़ी अमेजिंग आया हुआ है। साथ ही आप ओवरऑल अगर देखें तो इसका बॉडी शेप और जो पॉस्चर है वो भी काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं सिकलेट वैरायटीज रखी हुई हैं, खासतौर पर पैरेट फिशेज आप देख सकते हैं, कितने बड़े साइज के यहाँ पर पैरेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप कलर्स देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े साइज के, पूरे हाथ के पंजे जितना ये साइज है इन पैरेट फिशेज का। साथ ही टिन फॉइल बाब भी देख सकते हैं, कितना बड़ा साइज का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कलर आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है, पैटर्न काफ़ी ब्यूटीफुल है। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, ये देखने में आपको शायद किंग कॉन्ग पैरेट जैसा लगे, बट ये किंग कॉन्ग पैरेट जैसी ही क्वालिटी है, बट किंग कॉन्ग पैरेट नहीं है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के पैरेट फिशेस हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। हालांकि अभी थोड़े से स्ट्रेस में है, क्योंकि स्टॉक इनका आज ही आया है, बट क्वालिटी और कलर अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट टैंक को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई फिशेस देखने को मिलेगी। एक बड़े से टैंक में कोई फिशेस रखी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज कलर्स एंड पैटर्न की। साथ ही आप देख सकते हैं शार्क्स का भी कुछ स्टॉक है। कोइज में आपको शुभनकिन कोइज भी देखने को मिलेगी, नॉर्मल कोइज भी है, थोड़ी सी बड़े साइज की भी हैं, मीडियम साइज की भी हैं, और साथ ही स्मॉल साइज की तो मिल ही रही हैं। कुछ गोल्ड फिशेस का स्टॉक भी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्मल गोल्ड फिशेस हैं, कुछ थोड़े से मीडियम साइज की गोल्ड फिशेस भी है जो कि नॉर्मल हैं, और साथ ही आपको कोई इसका भी स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर शार्क्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर्स में अवेलेबल हैं, मीडियम साइज है, मीडियम से थोड़ा सा छोटा ही आप कह सकते हैं, बट इनका भी स्टॉक अभी आया है, सो कलर्स थोड़ा सा फेड है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एलिगेटर गार भी देखने को मिल रही है, सो एलिगेटर गार भी इनके पास अभी अवेलेबल है, तो जिनको भी चाहिए वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉन्स्टर कैटेगरी की एलिगेटर गार होती है, तो इसके लिए टैंक आपको बड़े साइज का ही चाहिए होगा। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गोल्ड फिशेज का स्टॉक देखने को मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर पैटर्न के साथ यहाँ पर आपको मीडियम एंड स्मॉल साइज की गोल्ड फिशेज मिल रही हैं। साथ ही आप देख सकते हैं ब्लैक मोर्स भी हैं। सो गोल्ड फिशेज बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल फिशेज मुझे लगती हैं। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टैंक की तरफ।
नेक्स्ट रैंक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गोल्ड फिशेज देखने को मिलेगा। ये कॉमन गोल्ड फिशेज हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, फिन्स कहीं से भी निप नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गोल्ड फिशेज है। जो अपनी हॉबी को स्टार्ट करना चाहता है गोल्ड फिशेज रख के, तो वो इस तरह की क्वालिटी की गोल्ड फिशेज रख सकते हैं। सो नेक्स्ट रैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल्की कोई कार्प्स देखने को मिलेगी। कार्प वैरायटी की ये फिशेज हैं, ओवरऑल देखें तो प्योर वाइट कलर में आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। कुछ एक दो पीसेज यहाँ पर डिफरेंट कलर के भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्राउनिश कलर में भी आपको मिल रही है देखने को, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लग रही है। सो इस टैंक में आप देख सकते हैं स्मॉल साइज की एंजल फिशेज देखने को मिल रही है। मार्बल एंजल्स हैं, नॉर्मल होती हैं एंजल्स, बट जिनको छोटे साइज की एंजल फिशेज पसंद होती हैं, जो छोटे से बड़े साइज में रेज करना चाहता है अपने टैंक में, उनके लिए ये एंजल फिशेज काफ़ी अच्छी हैं। स्मॉल साइज है और बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रही हैं। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शुभन किंग कोइस देखने को मिल रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लगती हैं, इनके कलर पैटर्न्स बहुत अमेजिंग देखने में लगते हैं। साथ ही एक पेयर यहाँ पर आपको पर्ल स्केल गोल्ड फिशेज का भी देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट टैंक की तरफ हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज़ेब्रा डाइनियोस देखने को मिल रही हैं और कुछ गपीज देखने को मिल रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मिक्स साइज में स्मॉल साइज की फिशेज यहाँ पर अवेलेबल है। प्लांटेड में आप इन्हें रख सकते हैं, नॉर्मल भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, और गपीज तो आप सभी जानते ही हैं लाइव बियरर्स होते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये गपी आपको देखने को मिल रही होगी जिसमें मैंने अभी जूम किया। ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ज़ेब्रा डाइनियोस भी आपको मिलती हैं, अलग अलग कलर्स साइज पैटर्न्स यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्मॉल साइज का जिनके पास टैंक है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइगर बार्ब्स देखने को मिल रही हैं, साथ ही रोजी बार्ब्स हैं, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की फिशेज यहाँ पर अवेलेबल है। स्मॉल साइज की है, छोटे टैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी है। छोटा टैंक यानी कम से कम 1.5 फीट तो हो, 1 से 1.5 फीट हो तो काफ़ी अच्छा है, उससे ज़्यादा छोटा टैंक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जो लोग बोल्स में रखते हैं फिशेस को वो भी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है। आप बताइए ये फिशेस आपको कैसी लग रही हैं। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं फिर से कोई फिशेस का स्टॉक आया हुआ है। ये थोड़े से बड़े साइज के कोईज हैं, यानी मीडियम साइज है, और साथ ही आप देख सकते हैं कलर पैटर्न काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, मिक्स वैरायटी की कोईज हैं, और बहुत ही अच्छा कलर पैटर्न एंड साइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कलर वीडियोस देखने को मिल रही हैं। टेट्रा वैरायटी के फिशेज हैं, आर्टिफिशियली कलर की हुई फिशेज होती हैं, बट इसमें कलर की बात करें तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, साथ ही आपको पर्पल कलर भी देखने को मिल रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको इनमें मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टिन फॉइल बार्ब्स देखने को मिलेगी। पिछली वाली टिन फॉइल बार्ब से छोटा साइज है इनका, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्बिनो और नॉर्मल टिन फॉइल बार्ब दोनों देखने को यहाँ पर आपको मिल रही हैं। काफ़ी अच्छा कलर, काफ़ी अच्छा पैटर्न, और ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी ब्यूटीफुल फिश ये आपको मिल जाती हैं। सो नेक्स्ट टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको स्मॉल साइज की फिशेज जैसे कि मॉली, रोजी बार्ब्स, टाइगर बार्ब्स, मिक्स वैरायटी की डिफरेंट डिफरेंट फिशेज इसमें रखी हुई हैं, स्मॉल साइज के टैंक के लिए काफ़ी अच्छी हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कलर्स बहुत ही अच्छे हैं कुछ फिशेज के, तो बहुत ही अमेजिंग स्मॉल साइज की फिशेज हैं, और छोटे टैंक्स के लिए, प्लांटेड टैंक्स के लिए बहुत ही अमेजिंग ये देखने में लगती हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल गोल्ड फिशेज का स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख सकते हैं नॉर्मल गोल्ड फिशेज के साथ साथ रेड कैप और साथ ही यहाँ पर कैलिको गोल्ड फिशेज भी देखने को मिल रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर पैटर्न के साथ ये गोल्ड फिशेज हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो कलर तो काफ़ी अच्छा है, साथ ही आप पैटर्न देखिए, बहुत ही अमेजिंग पैटर्न्स के साथ कुछ गोल्ड फिशेज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये वाली गोल्ड फिश भी काफ़ी अमेजिंग है, पर्सनली ये वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। साथ ही आप देख सकते हैं टेल्स पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैटर्न आया हुआ है। ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड फिश है, और प्राइस भी इसका जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी अच्छा रखा हुआ है इन्होंने। प्राइस अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि शॉप ओनर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको प्राइस के साथ एक प्रॉपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्कैट फिशेज देखने को मिल रही हैं, साथ ही आपको नाइफ फिशेज देखने को मिल रही होंगी, सेवरम्स हैं, और साथ ही यहाँ पर जियोफिगस का भी स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेज यहाँ पर रखी हुई हैं। जियोफिगस का पैटर्न आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर आया हुआ है, साथ ही ब्लैक डॉट के साथ बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रही हैं। मोनो एंजल में यहाँ पर एक दो पीसेज रखे हुए हैं, साथ ही आप देख सकते हैं बाला शार्क जिन्हें कहते हैं, शार्क्स भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर।
ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी फिशेज यहाँ पर हैं। स्कैट का साइज काफ़ी अच्छा है, मीडियम साइज का, और पैटर्न आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्कैट्स यहाँ पर देखने में लग रही हैं। सेवरम भी यहाँ पर आपको मिल रही हैं, येलो सेवरम्स है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा फिश का स्टॉक यहाँ पर अभी अवेलेबल है। साथ ही आप देख सकते हैं नाइफ फिशेज काफ़ी अच्छी देखने में लग रही हैं। सो हम आ चुके हैं नेक्स्ट रैंक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं रेड पैरेट्स का स्टॉक है यहाँ पर। ओवरऑल देखें तो लाइटिंग भी थोड़ी रेड की हुई है, बट फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर साइज काफ़ी अच्छा है। मीडियम साइज के यहाँ पर आपको यहाँ पर पैरेट फिशेज देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कलर की तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रेड लाइट यहाँ पर मौजूद है, बट जहाँ तक मुझे पता है क्वालिटी इसकी भी पिछली जो अभी हमने पैरेट फिशेज देखी हैं सेम वैसी ही है। सो जिनको थोड़े छोटे साइज में पैरेट चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े साइज की टिन फॉइल बाब्स और साथ ही बिग साइज की यहाँ पर आपको किसिंग गुरामीज देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल किसिंग गुरामीज का जो साइज है लगभग 7 इंच के आसपास है, बड़ा साइज है किसिंग गुरामीज का, और साथ ही टिन फॉइल बाब्स देख सकते हैं काफी अच्छे साइज के साथ यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो नेक्स्ट टैंक आप देख सकते हैं बड़ा सा सिकलेट टैंक सेटअप किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। यहाँ पर आपको खास तौर पर ऑस्कर फिशेज देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपको मिक्स वैरायटीज की ऑस्कर्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्कर्स मीडियम साइज की हैं, साथ ही पैरेट का भी यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है। सो अलग अलग पैटर्न की यहाँ पर आपको ऑस्कर्स देखने को मिलेंगी, अलग अलग कलर्स की हैं, मैंगो ऑस्कर है, फायर ऑस्कर है, साथ ही यहाँ पर आपको टाइगर ऑस्कर भी देखने को मिलेगी, लेमन ऑस्कर्स भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो मीडियम साइज है, क्वालिटी भी अच्छी है, और आप वाटर की क्वालिटी भी देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही क्लियर वाटर यहाँ पर इस टैंक का है। साथ ही आप रॉक्स भी देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रहे हैं। और ये स्टॉक जैसा कि इन्होंने बताया आज ही आया है, तो कुछ ऑस्कर्स यहाँ पर स्ट्रेस में भी हैं, कुछ शाये भी हैं, बट एक दो दिन के क्वारंटीन के बाद यहाँ पर आपको पूरी जो ऑस्कर्स हैं बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक और टैंक सेटअप किया हुआ है जिसमें सिकलेट्स रखी हुई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन सिकलेट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, साथ ही आपको नियोन अकेरा देखने को मिल रही है, साथ ही फायर माउथ आप देख सकते हैं, सिकलेट्स की कुछ और वेराइटीज भी हैं, बट फायर माउथ का आप कलर देखिए बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रहा है। ये जो आप सिकलेट देख रहे हैं इसका पर्सनली मुझे नाम नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फायर माउथ के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े साइज का सिल्वर डॉलर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा साइज है, मैक्सिमम साइज जिसे कहते हैं वो है। साथ ही आप देख सकते हैं ये ब्लू डॉल्फिन सिकलेट है, काफ़ी अमेजिंग देखने में लग रही है। और मैं इस वेराइटी की बात कर रहा था जिसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, आप में से किसी को अगर इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद उत्सुक हूँ इसका नाम जानने के लिए। अब क्योंकि ओनर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसीलिए वो भी अभी मुझे नहीं बता पाएंगे नाम, क्योंकि उन्हें अर्जेंट काम से जाना पड़ा, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न्स का स्टॉक देखने को मिल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट बॉडीज देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा येलोइश कलर की यहाँ पर आपको शॉर्ट बॉडीज देखने को मिल रही हैं, साथ ही आप देख सकते हैं नॉर्मल कलर की भी यहाँ पर शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न्स हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ आपको देखने को मिल रही हैं। येलो कलर में तो काफ़ी वाइब्रेंट देखने में लग रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक यहाँ पर अभी शॉर्ट बॉडीज का अवेलेबल है। आपको ये फिशेस कैसी लगती हैं, या फिर आपको कौन सी वाली यहाँ पर आपको शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं सिकलेट्स की एक और ब्यूटीफुल वैरायटी कॉन्विक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लगती हैं ये कॉन्विक्ट सिकलेट्स, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मेरे पास पहले थी लगभग 6 से 8 मैंने कॉन्विक्ट सिकलेट्स रखी हुई थी, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था इनके साथ मेरा, बहुत ही अमेजिंग फिशेज हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी कॉन्विक्ट सिकलेट्स रखी हैं, और अगर हाँ तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उन फिशेज के साथ। नेक्स्ट रैंक में आप देख सकते हैं स्मॉल साइज की ऑस्कर फिशेज हैं, ये लगभग 3 इंचेस के आसपास की ऑस्कर्स हैं, स्मॉल साइज हैं, बेबी ऑस्कर्स हैं, बट आप इनका पैटर्न देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल शार्प पैटर्न के साथ ये ऑस्कर्स देखने को मिल रही हैं, और क्योंकि स्टॉक आज ही आया है उसके बाद भी आप देख सकते हैं पैटर्न में कोई कमी नहीं है। हाँ हालांकि कलर थोड़ा सा डल मैं ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि स्टॉक आज ही रिसीव हुआ है, बट एक दो दिन में जहाँ तक मुझे आइडिया है इनका कलर भी वापस आ जाएगा। ओवरऑल
पैटर्न तो मुझे काफी पसंद आया। सो नेक्स्ट टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिक्स वैरायटी की सिक्लिड्स देखने को मिलेगी, साथ ही आपको शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न्स भी देखने को मिलेगी, छोटे साइज के यहाँ पर फायर माउथ भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन टेरर्स भी देखने को मिलेगा और जैसा कि सामने आप देख ही सकते हैं छोटे साइज का फायर माउथ भी मिल जाता है। मिक्स वैरायटी की यहाँ पर आपको सिक्लिड्स मिलती हैं, ओवरऑल काफी ब्यूटीफुल। जो भी सिक्लिड आपको पसंद आए या फिर जो भी फिश आपको पसंद आए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, इनको ये इमेजेस भेजकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर आप बाय करना चाहें तो इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओवरऑल काफी अच्छी मिक्स वैरायटी की सिक्लिड्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। सो नेक्स्ट टैंक की बात करें तो यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल सा एसआरडी फ्लावर हॉर्न आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटे साइज का फ्लावर हॉर्न है, इसका हेड भी अभी उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, बट कलर की बात करें तो हाफ रेडी स्टोन और हाफ ग्रे स्टोन के साथ ये फ्लावर हॉर्न जो कि बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रहा है। हाँ, हालांकि इसको अच्छे टेम्परेचर और अच्छी फीडिंग में रखा जाए तो इसका हेड ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप कलर पैटर्न देखें तो काफ़ी अमेजिंग है। और साथ ही आप देखें तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन या मार्किंग्स आई हुई हैं वो बहुत ही अमेजिंग आई हुई हैं। सो एक एसआरडी के हिसाब से अगर देखें तो पैटर्न में कोई कमी नहीं है, बट अगर इस पर काम किया जाए तो इसका हेड भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला फ्लावर हॉर्न कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रैंक में आप देख सकते हैं मिक्स वैरायटी की सिक्लिड्स हैं। यहाँ पर आपको येलो बनाना सिक्लिड्स, व्हाइट सिक्लिड्स और यहाँ पर आपको ब्लू डॉल्फिन्स देखने को मिल रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में लग रही हैं ये फिशेस। साथ ही आप ओवरऑल देखें तो सिक्लिड्स में ये मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा साइज है, यानी एकदम मैक्स साइज का सिक्लिड तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टैंक में रखने के हिसाब से काफ़ी अच्छा साइज और इन सिक्लिड्स का है, जो कि जल्दी से सर्वाइव भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी सिक्लिड्स अगर आप ले लेते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं अगर उनकी केयर करने में थोड़ी सी भी चूक होती है तो। बट ओवरऑल यहाँ पर आप देखें तो सिक्लिड्स बहुत ही अमेजिंग देखने में लग रही हैं। सो नेक्स्ट टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लांटेड टैंक के एक सेटअप में ले आया हूँ मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिडोरा फिशेस आपको देखने को मिल रही है, साथ ही आपको गोल्डन एल्गी ईटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा कि ये जो कोरिडोराज हैं ये किस तरह की लगती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फेदर फिश या फिर घोस्ट नाइफ फिश जिसे कहते हैं वो भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्ल गोरामी भी आपको मिल जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये गोरामी है। पर्ल गोरामी मुझे अच्छी लगती है और मैंने अभी इसे अपने एक मिक्स वैरायटी की टैंक सेटअप में रखा हुआ है। तो थोड़ा जूम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पर जो कोरिडोराज है वो किस तरह की देखने में लग रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेज होती हैं कोरिडोराज, पर्सनली मेरी फेवरेट बॉटम डॉलर्स में से एक है। साथ ही आप गोल्डन एल्गी ईटर्स को भी देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेज ये देखने में लगती हैं। प्लांटेड सेटअप अगर आपके पास है तो बहुत ही अमेजिंग होती है। खासतौर पे मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर बॉटम डॉलर्स खासतौर पे इस तरह की कोरिडोराज और एल्गी ईटर्स के लिए आपको सब्सट्रेट रखना या सैंड रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ए टू जी पेट शॉप में जितने भी फिशेस का स्टॉक था वो हमने देखा। काफ़ी अच्छी वैरायटी की फिशेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, साथ ही काफ़ी अच्छे कलर्स, पैटर्न और जो ब्रीड्स हैं फिशेस की वो हमने यहाँ पर देखी हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्वालिटी तो काफ़ी अमेजिंग है ही, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी अच्छी यहाँ पर फिशेस की मिल जाती है और टैंक्स आप देख ही सकते हैं किस तरह से अलाइन किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।